Good morning, guys. Welcome back to the channel. This is Shivam Kumar. Welcomes you in the 22nd episode of the Train Talks. So let's get started with our first news. But before that, you have to do subscribe करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होली आने वाली है और जब कभी भी कोई भी एक फेस्टिवल आता है तो रेलवे कुछ फेस्टिव ट्रेन्स अनाउंस करता है उस सीजन पे होने वाली जो हॉच पॉच या जो भी लोगों की भीड़ है उसको एड्रेस करने को लेकर के। तो जैसा कि होली आ गई है तो होली के लिए भी रेलवेज ने कुछ ट्रेन्स अनाउंस कर दी हैं जो कि आपकी होली स्पेशल के नाम से चलाई जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ ट्रेन्स का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, उनका क्या नंबर है और वो कितने ट्रिप्स जो है यहाँ पे टोटल चलेंगी। ठीक है, तो आपको अगर एक बार देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको होली के टाइम पे ट्रैवल नहीं करना है कहीं भी तो आप बिल्कुल वीडियो को कंटिन्यू करते रहें। दोस्तों, अगली न्यूज यहाँ पे आ रही है जी लोकोमोटिव को लेकर के। तो मेरे साथ आप सब लोग छोटा सा एक गाना गा सकते हैं कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। जोक्स अपार्ट, जी लोकोमोटिव जो है इंडिया के अंदर आ चुका है ऑफिशियली, इंडिया के अंदर उसकी जो है रनिंग शुरू हो गई है हमारे फर्स्ट लोकोमोटिव को लेकर के। दोस्तों, बात है लगभग दो हफ्ते पहले की, जब हमारे सब्सक्राइबर ने नरेश जो कि गुजरात आनंद के अंदर रहते हैं उन्होंने हमें कुछ फोटोज वगैरह भेजी थी जब वाया ट्रेन जी लोकोमोटिव इंडिया में शिप करा जा रहा था, मतलब कि बेसिकली उसको जो सी पोर्ट से ला करके ट्रेन के थ्रू यहाँ पे लाया जा रहा था। दोस्तों, पता नहीं कैसे समहाउ मैं आप लोगों के साथ वो फोटोज और वीडियोस उस टाइम दो हफ्ते पहले शेयर करना भूल गया था। तो अभी फिलहाल मैं वो फोटो और वीडियोस आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ कि उसने मुझे क्या भेजा था। और अब तक तो इंडिया में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जो है हो चुका है। यहाँ पे जी लोकोमोटिव की तरफ से एक स्टेटमेंट और आई है कि और 4 लोकोमोटिव यूएस में बन के रेडी हैं इंडिया में शिप होने को लेकर के। तो बहुत ही जल्दी इनका फ्लीट साइज जो है यहाँ पे भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी को राम मंदिर विवाद के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा और काफी अच्छी खासी नॉलेज होगी कि राम मंदिर विवाद में क्या चल रहा है। अगर आप में से कोई पर्सन अयोध्या वगैरह साइड पर रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। तो कम टू द पॉइंट, अब रेलवे ने यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंस करी है कि जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसको वो रीबिल्ड करना चाहता है जस्ट लाइक अ राम मंदिर। जैसा कि राम मंदिर बिल्कुल दिखने में लगता था या लगता है बिल्कुल वैसा ही अयोध्या मंदिर बनाएगा। बेसिकली अभी सिर्फ ये प्रपोजल गया है, हो सकता है इसको एक्सेप्टेंस मिल भी जाए या ना भी मिले। मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमें असलियत में नहीं तो एक रेलवे स्टेशन के थ्रू ही वो आर्किटेक्चर देखने को मौका मिलेगा जरूर। दोस्तों, यहाँ पे अगली जो न्यूज आ रही है वो है इंडियन रेलवेज और मोरक्को रेलवेज के कोलैबोरेशन को लेकर के। बेसिकली इन दोनों रेलवेज ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन करा है कोऑपरेशन का। अब कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत इन लोगों ने कहा है कि हम एक दूसरे से अपनी मैन पावर को एक्सचेंज करेंगे, हमारे जो भी इंजीनियर्स हैं उनसे एक्सचेंज करा जाएगा। बेसिकली जो सार है, मतलब अभी तक तो ऑफिशियल बात है, सार बात यह है कि इंडियन रेलवे जो है वो मोरक्को रेलवे जो है उसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रहा है। अब हम लोग उससे कुछ लेंगे, उससे कुछ सीखेंगे और बगल में हम उनको थोड़ा बहुत कुछ देंगे। जो हम दे सकते हैं वो है मैन पावर, जो हम किसी से ले सकते हैं वो है उनकी कैपिटल इंटेंसिव पावर या कुछ बनाने की पावर। कैपिटल इंटेंसिव वर्ड का मतलब होता है कि लेबर को हटा के मशीन से कैसे रिप्लेस करा जाए, उसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे जो है एक नई चीज लाने वाली है बायो टॉयलेट्स के बाद, अब उनका ध्यान जा रहा है वैक्यूम टॉयलेट्स की ओर। अब रेलवे का ये चाहत है कि भाई वैक्यूम टॉयलेट्स लाए जाए ट्रेन के अंदर। जरूरत पता नहीं क्यों है वैक्यूम टॉयलेट्स की भी, लेकिन अगर आएंगे भी तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रेन के अंदर या प्रीमियम ट्रेन के अंदर इनको लगाया जाएगा, उससे पहले नहीं लाए जाएंगे। बाकी देखते हैं कब तक कैसे होता है। इनकी छोटी सी बात ये भी कही जा रही थी कि भाई जो वैक्यूम टॉयलेट्स होते हैं उनके अंदर एक स्टिंगी स्मेल सी आती है, उसको भी जो रेलवे का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग है वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा। तो देखते हैं कब तक इम्प्लीमेंट हो पाता है और कब तक हमें ट्रेन में वैक्यूम टॉयलेट्स देखने को मिलते हैं। अगली न्यूज निकल के आती है वो है वेस्ट बंगाल से सिक्किम रेलवे लाइन को लेकर के। यहाँ पे हाईकोर्ट ने जो है मंजूरी दे दी है एक 45 किलोमीटर वेस्ट बंगाल से सिक्किम रेलवे लाइन, जो कि वेस्ट बंगाल के सिवोक से लेकर के सिक्किम के रंगपो RANGPO रंगपो तक जाएगी। तो देखते हैं कब किस तरह से बिल्डिंग शुरू होती है। फिलहाल जो चेयरमैन साहब है इंडियन रेलवेज के यानी अश्विन लोहानी साहब, उन्होंने एक बात कही है कि 2 मार्च के आसपास वो सिक्किम वगैरह के एरिया में जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे
कि कहाँ कहाँ पे ट्रैक्स वगैरह जो है बिछाए जा सकते हैं, कहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, किस टाइप से रेल लाइन बनाई जा सकती है। तो अभी बहुत बेसिक काम शुरू होना बाकी है, बाकी इस प्रोजेक्ट को जो है हरी झंडी मिल चुकी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारा इंडियन रेलवे इंडिया के बाहर भी निकल के कुछ सोचता है। एक तरीके से हम वेस्ट बंगाल तो जा ही सकते हैं, तो सिक्किम भी अब थोड़ा बहुत रीच में आ जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज की ट्रेन टॉक्स बहुत ज़्यादा ढीली बनी है, मैं टाइट नहीं था आज की वीडियो के अंदर। तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताना कि यार सच में ढीलीपन है, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत आज ढीली है, इस वजह से मैं जो एक जोश होता है वीडियो का वो मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए माफी चाहता हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम को बस आने का फिर उड़े। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।